उर्दू खबर के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान करीम में सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है कि उसने 7 आसमानों को पैदा किया और 7 ही जमीनें बनाई और इन सब में इसका हुक्म चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इरशाद इसकी खुदाई का सिर्फ एक सादा सा बयान ही नहीं है, बल्कि इसमें लामहदूद कायनातों की गहराई छुपी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिन्हें मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाकर फरमाया था कि या अल्लाह इसे कुरान की समझ अता फरमा दे। यही वजह है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कुरान करीम की तफसीर में मरकजी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर के लिए एक शख्स एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ। ये रिवायत सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। उसने सवाल किया कि ऐ इब्ने अब्बास, मुझे इस आयत की तफसीर जाननी है कि कुरान करीम में 7 आसमानों और 7 जमीनों से क्या मुराद है। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिन पर कुरान करीम के राज खोल दिए गए थे, वो खामोश रहे। उस शख्स ने इसरार करते हुए कहा कि ऐ इब्ने अब्बास, आप मुझे इस आयत की तफसीर क्यों नहीं बता रहे और इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि 7 जमीनों और 7 आसमानों से मुराद हमारी इस जमीन जैसी ही 7 जमीनें हैं, जिनके ऊपर अलग अलग आसमान है। हर जमीन पे इसका अलग आदम है और हमारे तमाम अंबिया की तरह इन पे अलग नबी मबूस किए गए हैं, जिनके नाम भी यही है। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर अपने आप में हैरतों की एक दुनिया छुपाए हुए है। ये तफसीर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आज से 1400 साल कबल बयान फरमा दी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन पर कुरान करीम के तमाम राज खोल दिए गए थे। हम जानते हैं कि आज हमारी खलाई साइंस का सबसे बड़ा मौजू इस जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी की तलाश है। हम ये भी जानते हैं कि इस मकसद के लिए हजरत इंसान ना सिर्फ बेशुमार कोशिशें कर रहा है, नई से नई और जदीद से जदीद तरीन दूरबीनें बनाकर खला में भेजी जा रही हैं, और इसके साथ साथ इंसान निजामे शमसी में मौजूद सियारों और कुछ चांदों को भी अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी रिहाइश के लिए आबाद करने की प्लानिंग भी कर रहा है। इन सियारों में मरीख भी शामिल है और साथ ही साथ ज़ोहल और मुश्तरी के 2 चांद भी इस लिस्ट में मौजूद हैं, जिनके लिए इंसान उम्मीद रखता है कि मुस्तकबिल में वहां पे जिंदगी की दरियाफ्त होगी और इंसान वहां पे आबाद हो सकेगा। नाज़रीन, ये वो हकीकत है जिसको इंसान ने फकत 100 साल पहले तलाश करना शुरू किया है, और इस हकीकत के बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह से यकीन भी नहीं रखता, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अब्दी और आखिरी किताब कुरान मजीद में इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया है, और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे मुफस्सिर कुरान की जुबान से इसकी तफसीर भी हम तक पहुँचा दी है। ये बात कि इस कायनात में हमारी जमीन जैसी जमीन, हम जैसा कोई ना कोई इंसान कहीं और किसी और जमीन पर मौजूद है, जो हम जैसी जिंदगी जी रहा है, जिसका नाम भी हम जैसा है, जिसके आबाओ अजदाद भी हम जैसे हैं, जिन तक आने वाले पैगंबर भी हम जैसे हैं, ये एहसास ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई और अजमत है कि जिससे साइंस आज हमें आगाह कर रही है। हम मौजूदा साइंसी इल्म की वजह से जानते हैं कि इस कायनात में इतने सितारे और सियारे मौजूद हैं कि जितने हमारी जमीन पे तमाम के तमाम रेत के जर्रे भी नहीं हैं। यानी हमारी पूरी जमीन पे रेत के जर्रों की तादाद से भी कई गुना ज्यादा सितारे और सियारे मौजूद हैं, और इतनी कसीर तादाद में मौजूद सितारों और सियारों में कहीं भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। इस आयत में सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हुई तफसीर की तशरीह करते हुए उलमाए कराम का कहना है कि 7 का अदद कुरान पाक में कई बार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है, और 7 के अदद को कुरान करीम ने बड़ी अहमियत दी है। इसकी मजीद तशरीह करते हुए उलमा का कहना है कि ये जमीनें और आसमान महज 7 की तादाद तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि इनकी तादाद हजारों में भी हो सकती है। 7 का अदद सिर्फ और सिर्फ इनकी अहमियत बयान करने के लिए है। आज हम जानते हैं कि कायनात में जिंदगी की तलाश के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पर भी काम कर रहा है। इन्हीं में से एक थ्योरी है जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, और आम लोग इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इस कायनात में ना सिर्फ बेशुमार डायमेंशंस मौजूद हैं, बल्कि इस कायनात जैसी बेशुमार और कायनातें भी मौजूद होंगी जो इस कायनात के साथ ही पैदा हुई हैं।
स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक ये तमाम की तमाम कायनातें एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। यानी अगर हम में से कोई शख्स इस जमीन पर एक मखसूस अंदाज की जिंदगी गुजार रहा है, तो वैसा ही एक शख्स किसी और कायनात में भी, बल्कि हर ऐसी कायनात में मौजूद होगा जिनकी तादाद ही लामहदूद है। हर कायनात में इस शख्स की जिंदगी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे वो यहाँ पे गुजार रहा है। इसके हालात में, इसकी शक्लो शबाहत में और इसकी जिंदगी के वाकयात में भी कोई फर्क नहीं होगा। प्यारे साथियों, मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारी इस कायनात में और दीगर तमाम कायनातों में भी सिर्फ ये तीन डायमेंशन मौजूद नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। इन तीन डायमेंशन में लंबाई, गहराई और चौड़ाई शामिल है, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक इन डायमेंशन की तादाद 12 है। और चूंकि हम सिर्फ तीन डायमेंशन को ही महसूस करने वाली मखलूक हैं, तो हम बाकी 9 डायमेंशन को महसूस ही नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि जैसे इस दुनिया में हम बहुत सारी मखलूकात को देख सकते हैं, वहीं पे ऐसी भी बहुत सारी मखलूकात हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो मखलूकात जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हम इंसान हैं या दीगर जानवर और परिंदे। जिन मखलूकात को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो बैक्टीरिया, वायरस और इस जैसी दीगर खुर्दबीनी मखलूकात हैं। हम जानते हैं कि हमारी इसी दुनिया में जिन्नात भी मौजूद हैं और फरिश्ते भी, लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके मौजूद होने की डायमेंशन ही हमारी नजरों से ओझल हैं। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात और इस जैसी दीगर लामहदूद कायनातों में ना सिर्फ इस जमीन जैसी बेशुमार जमीनें और आसमान मौजूद हैं, बल्कि हर कायनात में हम जैसी मखलूकात के अलावा और भी बहुत सारी मखलूकात आबाद हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही इन्हें महसूस कर सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल करदा इस आयत की हम जितनी भी तशरीह कर लें, हमें नए से नए मतालिब और मानी मिलते जाएंगे। बहसियत मुसलमान हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और इस पे हमारा ईमान भी है। इस आयत से हमें इस बात का मतलब भी समझ आता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह बेनियाज है, इसे हमारी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी और इसकी रजा की जरूरत है। ये आयत इसी जानिब इशारा करती है कि अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी भी करें, तब भी हम जैसे बहुत सारे लोग इस कायनात में या इस जैसी किसी और कायनात में मौजूद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी करेंगे और इसके अहकाम मानेंगे। ये सब समझने के बाद जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो हमारा ईमान इससे और भी ताजा हो जाता है, क्योंकि इस बार हम ये अल्लाह अकबर खूब सोच समझकर और इन चीजों को देखकर कह रहे हैं। जी तो मुअज्जिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।